जादुई गुलाब और शैतान माँ। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में मालती का एक खुशहाल परिवार रहता था। मालती तीसरी बार गर्भवती थी। उसकी पहले से ही दो बेटी थी, छाया और जूली। मालती ने जब अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन मालती के पति गणेश की मृत्यु हो गई। मालती उसी दिन से अपनी छोटी बेटी ममता को मनहूस समझने लगी। मालती का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपनी पति की मौत का जिम्मेदार ममता की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डाइन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी ममता को बिना किसी कसूर का सजा मिलता रहा। उसे ना तो बाप का प्यार मिला, ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा। मालती की अब तीनों बेटियाँ बड़ी हो गई थी, लेकिन मालती के दिल में ममता के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन ममता की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं थी। एक बार मालती बाहर मेला घूमने जाती है और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है। छाया और जूली, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए मेले से क्या लेकर आई हूँ। ये लहंगा और ये सुंदर सा लाल सूट। ये लहंगा तो मेरी बेटी छाया पर बहुत जचेगा, और ये लाल सूट, ये तो मेरी बेटी जूली की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। ममता भी वहीं दूर खड़ी आस भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आई हो। वो इंतजार करती रही, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद ममता डरते डरते अपनी माँ के पास जाकर धीरे से बोली, माँ आप मेले से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। तुझे इस घर में आराम से खाने को मिल रहा है ना, तो उसे ही अपनी किस्मत समझ। अरे एहसान मान मेरा, जो तुझ जैसी मनुष्य अभागन को अभी भी बोझ की तरह ढो रही हूँ। तो चुपचाप से पड़ी रह घर के किसी कोने में। मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत कर कि मैं तुझे कभी प्यार करूँगी या मेरे दिल में तुम्हारे लिए माँ की ममता जाग जाएगी। अरे तू मनहूस है और हमेशा मनहूस ही रहेगी। चल अब जा और अपना काम कर। ममता रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा को याद कर खूब रोती है। ममता अपनी माँ के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी माँ के हर सामान का ध्यान रखती है और घर का सारा काम करती है। सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है, पर सब बेकार था। उसकी माँ को ना तो कभी उस पर प्यार आता, ना ही दया। एक दिन मालती अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है, तभी वो अपनी बेटी छाया और जूली से कहती है, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए तेरी बुआ के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है, तो कुछ दिन लग जाएगा। तब तक तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। माँ आप विमला बुआ के घर जा रही हो ना? वैसे उनका घर तो घने जंगलों के रास्ते वाले गांव में है। हाँ बेटी वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों को अपने लिए कुछ चाहिए तो बता दो। माँ वहाँ का रेशम बहुत फेमस है, आप वहाँ से मेरे लिए रेशमी कपड़े ले आना। हाँ ठीक है ले आऊंगी। और मेरी छाया बेटी को क्या चाहिए? माँ मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही अद्भुत गुलाब पाया जाता है जो कभी नहीं मुरझाता, मुझे वही जादुई फूल चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो अद्भुत गुलाब भी इस बार ढूंढ ही लाऊंगी। वहीं दूर खड़ी ममता भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार माँ उससे भी कुछ पूछ ले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी माँ ममता की तरफ देखती तक नहीं है और फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। मालती जाने के लिए तैयार हो जाती है। ममता जल्दी जल्दी अपनी माँ के लिए जरूरत का सारा सामान पैक कर देती है। मालती अगले सुबह ही निकल जाती है। बुआ के पास पहुँचने के बाद मालती कुछ दिनों तक वहीं रहती है और फिर काम खत्म हो जाने के बाद थोड़ी शॉपिंग करती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए रेशम के कपड़े भी खरीदती है। अगले दिन मालती छाया के लिए वो अद्भुत गुलाब ढूंढने घने जंगल में निकल पड़ती है। वो उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन वो फूल उसे कहीं नहीं मिलता है। वो उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाती है, तभी उसे वहाँ एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई देता है। मालती जल्दी से उस महल के पास जाती है, तभी मालती देखती है कि उसकी बेटी ने जो अद्भुत गुलाब मंगवाए थे वो फूल वहीं उस महल के बगीचे में लगा हुआ था।
मालती उस फूल को देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस बगीचे से वो अद्भुत गुलाब तोड़ लेती है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मालती बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। ये देखकर मालती के होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे तुझे जाने दूँ? तूने मेरे बगीचे से ये फूल तोड़कर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार निकालती है, तभी मालती जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी तीन तीन बेटियाँ मेरे इंतजार कर रही हैं। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत मारो वरना मेरी बिटिया फिर से अनाथ हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तू पहले ये बता, तू इस घने जंगल में क्या करने आई थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? तुम्हें पता नहीं मुझे मेरा बगीचा मेरे जान से भी प्यारा है। सच बता, तू मेरे बगीचे का फूल क्यों चुराने आई थी? दरअसल इस फूल का जिक्र मेरी बेटी ने मुझसे किया था और उसी ने मुझे ये जादुई फूल लाने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये बात है, इसके पीछे तेरी बेटी का हाथ है। बता कहाँ है तेरी बेटी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे अपनी बेटी को लाकर मुझे दे, तभी मैं तेरी जान छोड़ूंगी। मालती को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे तो अपनी जान और अपनी बड़ी बेटियाँ जान जैसी प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो सोची कि क्यों ना छाया की जगह ममता का नाम इस चुड़ैल को बता दिया जाए, ताकि वो छाया की जगह ममता को मार डाले और इसी बहाने इस ममता नाम की आफत से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। ममता यही सोचकर उस चुड़ैल को अपनी छोटी बेटी ममता का नाम बता देती है। अच्छा, तो फिर अब जाओ और अपनी बेटी ममता को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मालती भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है और अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है। छाया, जूली, ममता, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से मेरे पास आओ। इस बार मालती अपनी बड़ी बेटी छाया और जूली की जगह ममता को अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर ममता बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आज उसकी माँ ने शायद उसे माफ कर दिया। पहली बार माँ का प्यार देखकर ममता बहुत ही खुश होती है। ममता बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर मालती ममता को अपने साथ उसी जंगल में उस चुड़ैल के महल में ले जाती है। चुड़ैल को सामने खड़ा देख ममता बहुत डर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, माँ प्लीज बचाओ। भाई, आप मुझे कहाँ ले आई? मुझे घर जाना है। माँ, आप मुझे कहाँ ले आई हो? माँ, वापस चलो। चुप कर और मेरी बात कान खोलकर सुन। अब से तुझे यहीं रहना है, तू इसी के लायक है। अब जा और यहीं सड़। इतना बोलकर मालती ममता से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ममता रोती रह जाती है, लेकिन मालती एक बार भी पीछे पलटकर ममता की तरफ देखती तक नहीं। ये रोना धोना बंद कर, अब से तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। ममता बहुत रोती है, लेकिन उस चुड़ैल को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती और वे उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देती है और उसे खूब डराती है। यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं देती। ममता दिन रात खूब रोती है। ऐसी ही 4 दिन बीत जाता है और अचानक चुड़ैल बहुत बीमार पड़ जाती है। वो खुद से उठकर चल भी नहीं पा रही थी। चुड़ैल की ये हालत को देखकर ममता को उस पर दया आ जाती है और वो उस दिन से चुड़ैल का सारा काम करने लगती है। वो उसके लिए बाहर से फल तोड़कर लाती और जड़ी बूटी पीसकर उससे उस चुड़ैल की मालिश करती। कुछ दिनों की देखरेख के बाद वो चुड़ैल बिल्कुल ठीक हो जाती है। ममता की दरिया दिली से वो चुड़ैल बहुत खुश होती है। वाह, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने मेरी इतनी सेवा की। चुड़ैल को अब ममता बहुत ही अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तो चुड़ैल ममता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ममता को जब जिस चीज की जरूरत होती, चुड़ैल उसे तुरंत अपने जादू से लाकर देती।
अब ममता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। उसे हर रोज तरह तरह के खाने की चीजें मिलती, पहनने के लिए रोज नए नए कपड़े मिलते। वो जो चाहती चुड़ैल उसे तुरंत अपने जादू से लाकर देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ममता अभी भी बहुत उदास थी। एक दिन ममता अपनी माँ और बहन को याद करके रो रही होती है। चुड़ैल ममता को यूँ रोता देख उसे एक जादुई शीशा देती है। ममता, मुझे पता है तुम अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती हो, है ना? ये लो, ये एक जादुई आईना है, इसमें तुम जिसे भी चाहो उसे देख सकती हो। ममता सबसे पहले उस जादू आईने में अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। ये देखकर ममता चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे जाने दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने हर महीने आया करूँगी। चुड़ैल ममता को अपने बगीचे का एक प्यारा सा जादुई गुलाब देती है। ममता, ये कोई मामूली गुलाब नहीं बल्कि जादुई गुलाब का फूल है। इसे सूंघने से सभी प्रकार की बीमारी खत्म हो जाती है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। ममता घर आकर अपनी बहनों से मिलकर बहुत ही खुश होती है और फिर अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ, ये क्या हो गया आपको? आप चिंता मत करो माँ, बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ लो माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फूल सूंघते ही उसकी माँ मालती बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर मालती को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो किसी शैतान से कम नहीं। मैं एक माँ होते हुए भी तुझे मरने के लिए मौत के मुंह में छोड़ आई, और एक तू है कि मेरी जान बचाने के लिए चुड़ैल से ये जादुई फूल ले आई। मुझे माफ कर दे बेटा, भगवान मुझ जैसे शैतान माँ किसी को ना दे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। और फिर उस दिन के बाद से मालती ममता को भी प्यार करने लगती है और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोतेली माँ और जादुई लाल सैंडल। राकेश दुखी मन से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा होता है, क्योंकि उसकी पत्नी की 2 दिन बाद डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन किसी हादसे की वजह से उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने लगता है और डॉक्टर को मजबूरन उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और इन्हीं सब के चिंता में राकेश ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा होता है कि उसी वक्त डॉक्टर बाहर निकल कर आती हैं और उससे कहती हैं, आई एम सॉरी मिस्टर राकेश, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए, लेकिन आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। ये कहकर डॉक्टर राकेश के हाथ में छोटी सी बच्ची पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर राकेश फूट फूट कर रोने लग जाता है कि अब इतनी छोटी सी बच्ची की देखरेख कौन करेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने इस छोटी सी बच्ची के सर से उसकी माँ का साया छीन लिया, अब मैं इसे अकेले कैसे पाल पाऊंगा। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और राकेश अपनी बेटी मोहिनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करता था, लेकिन मोहिनी को तब भी अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। और ऐसे ही एक दिन राकेश की माँ सुमित्रा उसके घर आती है और उसे कहती है, अरे राकेश बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? तू कब तक इसके चक्कर में अपनी नौकरी छोड़कर बैठा रहेगा? मैं तो कह रही हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले और अपना परिवार आगे बढ़ा। नहीं माँ, मैं अपनी बेटी के लिए सोतेली माँ नहीं लेकर आऊँगा, मैं उसकी जिंदगी में सोतेली माँ का कहर नहीं टूटने दूंगा। अरे बेटा, जरूरी थोड़ी ना है कि सारी सोतेली माँ बेकार होती है। अरे समाज में तो हर तरह के लोग रहते हैं, बस सब नजरिए का खेल है। अपनी माँ की बातें सुनकर राकेश अंजना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है और अंजना घर में आते ही मोहिनी पर अत्याचार करने लगती है। राकेश के काम पर जाने के बाद वो मोहिनी से घर का सारा काम करवाया करती और उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती थी। पता नहीं ये मनहूस लड़की कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरी जिंदगी में मनहूसियत फैला रही है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच अंजना भी एक बेटी को जन्म देती है और अब वो सारा समय अपनी बेटी के साथ ही बिताया करती थी। तभी एक दिन राकेश अंजना से पूछता है, अरे अंजना, क्या मोहिनी आजकल ठीक से खाना नहीं खा रही है? देखो तो कितनी कमजोर लग रही है। उसी समय अंजना अकड़ते हुए बोलती है,
अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या तुम्हारी बेटी का ठेका ले रखा है? पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस मनहूस से। अंजना की बातों में राकेश को साफ साफ सौतेलापन दिखाई दे रहा था। और इन्हीं सब की चिंता में एक दिन ड्राइव करते समय राकेश का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। और राकेश के जाने के बाद अंजना का अत्याचार और भी बढ़ता जाता है और वो मोहिनी की पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा देती है। अरे ओ लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद तो स्कूल नहीं जाएगी, बस घर पर रहकर घर का सारा काम करेगी, समझी? लेकिन माँ मुझे अभी पढ़ना है, आप सुनैना को इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रही हो तो मुझे कम से कम सरकारी स्कूल में तो पढ़ने दीजिए। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी? तू बस इस घर की एक नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए आज के बाद अगर तूने मुझसे बहस की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल जा यहाँ से और घर का काम कर। अंजना की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप जाकर घर का सारा काम करने लग जाती है। और ऐसे ही मोहिनी के दिन गुजरते रहते हैं और उसे रोज अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को सहना पड़ता है। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब मोहिनी और सुनैना बड़ी हो जाती है। और एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, ये लो पैसे, तुम्हें जो जो चाहिए वो सब खरीद लेना। उसके बाद सुनैना पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय मोहिनी भी डरते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या आप मुझे भी कुछ पैसे दे सकती हो? अरे ओ मनहूस, तेरे को देने के लिए तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, चल जाओ यहाँ से। मोहिनी अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है कि उसी समय उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मोहिनी मेरी बच्ची तुम परेशान मत हो। माँ आप कहाँ हो, मुझे भी अपने पास बुला लो, वरना मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करेगी, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। नहीं बेटी अब तो चिंता मत कर, तेरी माँ तुझे इस परेशानी से बाहर निकालने ही आई है, मेरी बात ध्यान से सुन। बेटी मेरी अलमारी में एक लाल कलर की जादुई सैंडल है और वो तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर कर देगी। उसी समय मोहिनी अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ की अलमारी खोलती है और उस अलमारी में से जादुई लाल सैंडल निकाल कर पहन लेती है और कहती है, काश मुझे थोड़े से पैसे मिल जाते। उसी समय उस सैंडल से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर खूब सारे पैसे आ जाते हैं और ये देख कर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई सैंडल है। और ये बात जब मोहिनी अपनी सौतेली माँ को बताती है तो वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करती और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगती है। क्या कहा तूने, ये एक जादुई सैंडल है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए अब तो यहाँ से चुपचाप चली जा वरना यही सैंडल उठाकर तेरे सर पर मारूंगी। अंजना मोहिनी की बातों का विश्वास नहीं करती और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। और मोहिनी वो जादुई सैंडल पहनकर अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है कि तभी उसे रास्ते में गरीब लाचार भिखारी दिखाई देते हैं। अरे बेटी हम गरीबों को कुछ खाने के लिए दे दो, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन कोई भी हम गरीबों की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन बाबा मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय मोहिनी को अपने जादुई सैंडल के बारे में याद आता है। अरे हाँ मेरे पास तो ये जादुई सैंडल है, क्यों ना मैं इससे मदद मांगू। हे जादुई सैंडल क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मोहिनी के इतना कहते ही उस सैंडल में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर नोटों की गड्डियों की ढेर लग जाती है और मोहिनी वो पैसे उठाकर उन गरीबों को दे देती है। और ऐसे ही मोहिनी गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लगती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद कर उसमें रहने लगती है। और वहीं अंजना की बिगड़ैल बेटी उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है
और अंजना इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है और ऐसी ही भूखी प्यासी लोगों के घर में भीख मांगने लगती है। और ऐसे ही एक दिन वो मोहिनी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे कोई है, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उसी समय मोहिनी बाहर आती है और कहती है, अरे माँ आप यहाँ, और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। अपनी सौतेली माँ की ऐसी हालत देखकर मोहिनी बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी सौतेली माँ को घर में बुलाकर उन्हें पेट भर खाना खिलाती है। और अपनी सौतेली बेटी के इस व्यवहार को देखकर अंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तूने मुझे हमेशा अपनी माँ माना और जिस बेटी को मैंने अपने खून से सींचा उसे इतना प्यार दिया, आज उसी ने मुझे घर से बेघर कर दिया। मैं तेरे इस प्यार के लायक नहीं हूँ बेटी, मुझे माफ कर देना। माँ आप ऐसे बातें क्यों कर रही हैं? मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। और इसी तरह अंजना के मन से सौतेलापन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो मोहिनी को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार देने लगती है। और ऐसे ही मोहिनी और जादुई सैंडल की मदद से गरीब और लाचार लोगों की हमेशा मदद किया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।